बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है एंड आई एम अ सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स बेलारूस। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे, एक चेन स्टोर है एक्स कट के नाम से। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आज लास्ट टाइम मैंने एक छोटा सा व्लॉग डाला था, उसमें ग्रॉसरी की और जो हमारी ज़रूरत की आइटम्स थी वो शो की गई थी। तो यहाँ पे हलाल मीट का थोड़ा सा इशू है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। तो आज कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि यार कोई कुछ स्पेशल भी हमें शो कराओ ना, बेलारूस में क्या ख़ास है। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ख़ास चीज़ें दिखाते हैं जनाब। सो हम अभी हम हो गए हैं एंटर और यहाँ से हम चलेंगे। आज की डेट में जो रेट है वो है 85 पाकिस्तानी। तो जनाब पहले ही देखें ज़रा गौर से, बड़ी बड़ी बोतलें हैं, कितने की है? 1.96 यानी कि 200 की। अड्डी बड़ी बोतल वो भी 200 की। एप्पल्स हैं 2.8 और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं माल्टे 4.79। कुकिंग ऑयल 4.0939, डिफरेंट कंपनीज के हैं, 1-2 रुपए का फ़र्क है। ये जो ऑलिव ऑयल है वो सस्ता है यहाँ पे 5.49, 85 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको इसके रेट का आइडिया हो जाएगा। एग्स और गोश्त हैं, स्पाइसेस हैं, तो जनाब जिन दोस्तों की फरमाइश थी उनके लिए हम आ गए, उनके लें जी सरकार। 9.9 है, 1200 की बोतल है। थोड़ा उत्ते चले जाइए तो 24-13 बोरे लेके जा रहे होते हैं बाबा। ये जो चल रही होती ना, वीकेंड है आज, तो वीकेंड को ढेर ढेर 5-5, 7-7 बोतलें चकी होनी है, तो स्टार्ट ही निकल रहे होंगे। ये 17 रुपये में वो ये सारी हैं, मुझे तो नहीं पता, ना मैंने कभी टेस्ट की है और ना ही करना चाहूँगा लाइफ में, लेकिन ये कि चलो आया था तो कुछ बना देते वीडियो। ठीक है, तो ये इनके रेट्स हैं जी, कम से कम 3 से स्टार्ट हो और ये 15 तक जा रही है। तो हर कैटेगरी की, ये शैम्पियन बोर्ड का पता नहीं क्या क्या है, फिर उसको भी बढ़िया पियाँ हैं, पूरियाँ पूरियाँ हैं। फिर आगे जी हम कॉफ़ी के सेक्शन पे, 9-10 रूबल से काफ़ी स्टार्ट हो रही है नेस्ले की। तो ये इधर की चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि यहाँ पे ना हर कैटेगरी की आपको टी मिल जाती है, मसलन पाइन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, हर किस्म के फ्लेवर में आपको यहाँ पे मिल जाएगी अगर आप कोई ऐसी स्पेशल टी जो है वो लाइक करते हैं। पानी का भी ये थोड़ा सा इशू है, जिनकी बोतल होती है ना ये ग्रीन वाला वो नॉर्मल है, मसलन आम पानी, और ये जो वाइट है इसमें इन्होंने गैस भरी होती है। मसलन आप वाइट ढकने वाली बोतल लेंगे ना तो उसमें पानी में गैस भरा होगा सादा पानी में, तो समटाइम जिन लोगों को नहीं पता होता ना वो फर्स्ट टाइम वही उठा देते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा जो है ये बेकरी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स भी अच्छे हैं, वही 1, 2, 3, 4 2.29, 9.2 टॉफीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं। बिस्किट्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली आपने ये देख लिए होंगे इनकी प्राइसेस क्या हैं और किस रेट पे हैं ये सारी चीज़ें। अभी हम दोबारा चलते हैं, ये दूध दही और दही जो है वो 2.63। ये दूध के पैकेट भी होते हैं, बॉटल्स में भी हैं,
क्रीम वगैरह। तो दूध यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जी 1.71 से और 2.09 तक जा रहा है, यानी कि वो 170-180 रुपये लीटर तक है। पाकिस्तानी रेट ही है ऑलमोस्ट, बेसिक चीज़ों का जो रेट्स हैं वो तो वही हैं जो हमारे यहाँ, मसलन दूध है, आटा है, चीनी है, चावल है, इनके रेट सेम है। तो थोड़ा बहुत 20-30% का फ़र्क है, इतना तो फिर डेफिनेटली आप इंटरनेशनल का आ रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में, इतना फ़र्क तो पड़ेगा ही। सो ये मीट का सेक्शन है, ये यहाँ पे ऐसे इन्होंने फ्रोज़न करके लटकाया होता है, अब ये पता नहीं किस चीज़ का होता है। ये पॉपकॉर्न के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 1.75 से स्टार्ट हो रही है ऑनवर्ड। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहाँ से रोटी भी मिल जाती है, पाकिस्तानियों को घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, ये रोटियाँ अवेलेबल है यहाँ, ठीक है पूरा।